जय हिंद प्यारे साथियों, बात करने वाले हैं असम राइफल्स की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को बताते हैं, असम राइफल्स की तरफ से 1380 न्यू वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसे आप सभी को बताते हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में भी इसका जो प्रकाशन है वो जारी कर दिया गया है। तो पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज कब से काउंट की जाएगी और कितनी आपकी एज होनी चाहिए। पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी जानकारी मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भविष्य में आने वाली हर एक इन्फॉर्मेशन की अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही में अगर आप BSF कांस्टेबल ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर बेस्ट बुक आपकी चक्सू पब्लिकेशन की आती है, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप इसे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेस कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाके इसे परचेस कर सकते हैं। साथ ही में इनके सॉल्ट पेपर एंड प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लेके आप अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब देखिए, असम राइफल्स की भर्ती की अगर मैं बात करूं तो पहले असम राइफल्स की भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें 1380 पदों के बारे में बताया गया था, लेकिन उसमें खाली पदों की संख्या के बारे में बताया गया था। बाकी का कब से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो बाकी की जो चीज़ें थी उसके बारे में कुछ भी अपडेट नहीं थी। लेकिन अब फाइनली आपकी जो पूरी अपडेट है वो यहाँ पर रिलीज कर दी गई है कि कब से आपके फॉर्म भरने, कौन कौन एलिजिबल रहेगा, PSCBET क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 6 जून से स्टार्ट होंगे और 20 जुलाई तक इसके फॉर्म भरे जा सकेंगे। एप्लीकेशन की फीस की अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन फीस ग्रुप बी के लिए 200 रुपये और ग्रुप सी के लिए 100 रुपये आपको फीस पे करनी होगी। दूसरी बड़ी बात कि आपकी जो वैकेंसी होंगी वो ऑल ओवर इंडिया के लिए स्टेट वाइज आपकी वैकेंसी है, तो आपको अपने स्टेट में ही फॉर्म अप्लाई करना है और उसी में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि कितने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो 1 कैंडिडेट 1 एप्लीकेशन फॉर्म ये पॉलिसी रहेगी। आप याद रखिएगा, 1 कैंडिडेट 1 ही फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अगर आप 2 फॉर्म अप्लाई करते हैं और आपका डुप्लीकेट कहीं मैच हो जाता है तो आपका जो कैंडिडेचर होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको भर्ती में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल आपकी क्लियर हो जाती है। दूसरी बात ये है कि मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी हैं। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसके लिए केवल मेल अप्लाई कर सकते हैं और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसके लिए केवल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। उसकी डिटेल अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा या स्क्रीन पे जो आपको वेबसाइट दिख रही है इसे गूगल में सर्च करके आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब इसके अलावा देखिए, मैं बात कर लेता हूं तो आप सभी को ये क्लियर हो गया कब से आपके फॉर्म भरे जाने हैं। और जो आपकी रैली स्टार्ट होगी वो 1 सितंबर 2022 को आपकी रैली स्टार्ट हो जाएगी, यानी बीच में लगभग आपको 1 से 1.5 महीने का समय मिलेगा। उसी के बीच में आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि अभी से आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि काफ़ी पद हैं, अलग अलग विभिन्न प्रकार के यहाँ पे पद रखे गए हैं। तो देखिए, सभी जो पद हैं उनमें से 2 पद ऐसे हैं जिनका जो क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है। जैसे हेड चेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो पहला है आपका क्लर्क। अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th पास। अब इसके लिए दूसरी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो आपकी हाइट होनी चाहिए, मेल कैंडिडेट की हाइट मांगी गई है 165 सेंटीमीटर, वहीं पर अगर फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करती हैं तो 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ST कैंडिडेट हैं तो 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर ST कैटेगरी में होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट के लिए अगर मैं चेस्ट की बात करूं तो 77 से 82 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। अगर ST कैंडिडेट है मेल कैंडिडेट तो 76 से 81 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। उसके अलावा एक पोस्ट है आपकी आया की। आया की जो पोस्ट है ओनली फॉर फीमेल है, उसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहती हैं तो उसके लिए आपकी जो हाइट होनी चाहिए, जो लंबाई होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। जनरल ओबीसी EWS सामान्य कैटेगरी में जो भी आते हैं उन सभी की जो हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर यहां पे हाइट आया वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा जितनी आपकी जो पोस्ट है राइफलमैन वगैरह, जितनी आपकी बाकी की जो पोस्ट बचती है उनके लिए जो आपकी हाइट होनी चाहिए नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और चेस्ट आपकी 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की। अब फीमेल के लिए बात करें तो फीमेल के लिए जो लंबाई होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी EWS सामान्य कैटेगरी में जो भी आते हैं उन सभी की जो हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट होनी चाहिए। अब बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि कुमायूं वगैरह, गढ़वाली वगैरह वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए जो हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर आपका जो लंबाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। तो ये आपका फिजिकल का क्राइटेरिया मैंने आप सभी को बता दिया।
या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो आपका होता है नापतोल, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपको और ज्यादा डिटेल चेक करनी है तो स्क्रीन पर वेबसाइट दे रखी है, वहां से देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है आपकी फिजिकल के बारे में। तो फिजिकल के लिए आप सभी को क्लियर कर दें कि यहाँ पे केवल एक इवेंट करवाया जाता है, वो होती है आपकी रनिंग। 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में कंप्लीट करनी होती है मेल कैंडिडेट को। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट की एक बात करें तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी होती है, यानी लगभग जो आपका क्राइटेरिया बिल्कुल SSC GD कांस्टेबल वाला आपका क्राइटेरिया यहां पे रहता है। वैकेंसी के लिए डिफरेंट क्वालिफिकेशन, डिफरेंट आपका एज क्राइटेरिया रखा गया है, तो उसकी डिटेल भी आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती है। उसके बाद देखिए मैं बात करूं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो 3 स्टेप में यहां पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सबसे पहला जो आपका होगा, सबसे पहले PSTN PET कंडक्ट करवाया जाएगा। PSTN PET में जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उन सभी कैंडिडेट को रिटन एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, और जो लोग रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट को एक मेरिट बनाई जाएगी, उन मेरिट के बेसिस पे कैंडिडेट को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन से पहले कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनमें ट्रेड टेस्ट करवाया जाना है, तो जो लोग रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनसे ट्रेड टेस्ट वहाँ पर लिया जाएगा, केवल उन वैकेंसी के लिए जिनके लिए ट्रेड टेस्ट करवाया जाता है, बाकी के लिए नहीं। और डायरेक्टली बाकी के जितने बार कैंडिडेट होंगे सभी कैंडिडेट मेडिकल के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद उनका मेडिकल करवाया जाता है। और मेडिकल में क्वालिफाई होने के बाद फाइनली आपकी जो मेरिट लिस्ट होती है वो प्रिपेयर करके लगा दी जाती है, और जो इसकी कट ऑफ होती है, जो मेरिट बनती है, वो आपकी स्टेट वाइज जो वैकेंसी है उसी के अकॉर्डिंग बनती है। तो याद रखिएगा आपको अदर स्टेट में अप्लाई नहीं करना, जहां का आपके पास डोमिसाइल PRC जो भी हो उसी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं, और एक से ज़्यादा फॉर्म आप अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा फॉर्म अगर आपने अप्लाई किया तो आपका जो फॉर्म होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पूरी डिटेल्स जो हैं आप सभी के साथ शेयर कर दी गई हैं, इससे रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि और कोई ज़रूरी चीज़ आप सभी के लिए रह गई है। अगर फिर भी इन केस अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई भी डाउट है जो आप पूछना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या इंस्टाग्राम Study4Dreams1 पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर एक अपडेट रेगुलर आप सभी को इसी तरीके से मिलती रहेगी। असम राइफल्स की वन ऑफ द बेस्ट जॉब आप सभी के लिए मिल सकती है, और आप सभी को बता दें कि देखिए आप सभी जानते हैं कि आर्मी के अंडर है कि ये काम करती है, तो बेस्ट जॉब है आप सभी के लिए। अगर वर्दी की जॉब आपको चाहिए और रैली भर्ती के थ्रू होगी तो बहुत ही जल्दी इसके जो प्रोसेस होता है वो भी बहुत ही जल्दी कंप्लीट करा लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सालों आपके खर्च होते हों, बहुत ही जल्दी 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आपका फाइनल रिजल्ट जारी करके आपको ज्वाइनिंग वगैरह दे दी जाती है। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी बात है, सभी लोग इसके लिए फॉर्म जरूर अप्लाई करें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहां से जाके इसकी पूरी डिटेल्स रीड आउट कर सकते हैं और अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं और कौन सी वैकेंसी के लिए अप्लाई करने वाले हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, और वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो फिलहाल के लिए प्यारे साथियों इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत। करते हैं और कौन सी वैकेंसी के लिए अप्लाई करने वाले हैं हमें कमेंट